अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो, चाहे वेट लॉस के लिए या वेट गेन के लिए, दोनों में आप फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स में भी हो सकता है, ड्राई फॉर्म में भी हो सकता है, या वेट फॉर्म में भी हो सकता है, या फ्रेश भी हो सकता है। आलमंड जो होते हैं ना, इनको हम ड्राई फ्रूट्स नहीं बोल सकते, ये नट्स और सीड्स कैटेगरी में आते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे और फ्रूट्स की प्रोटीन वैल्यू की बात करेंगे, जितने भी सीड्स और नट्स हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और आज मैं ऑलमोस्ट सारे ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स की मैं प्रोटीन वैल्यू आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप उसे इस्तेमाल करके अपना वेट गेन या वेट लॉस जर्नी को सक्सेसफुल कर सके। हाई प्रोटीन फ्रूट्स की लिस्ट में सबसे टॉप में आता है एप्रिकॉट। ये शायद फ्रेश भी हो सकता है या ड्राई फॉर्म भी हो सकता है। इसके अंदर हमें लगभग 3.17 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है, अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है। सेकंड नंबर पे आता है वुड एप्पल, जिसे हम कवट बोलते हैं, कैथ बोलते हैं, कपित बोलते हैं। एक प्रकार का बेल जैसा फल है, बेल के जैसा फल होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये जो है, इसके अंदर भी हमें लगभग 3.14 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है। थर्ड नंबर पे आता है अवाकाडो, इसके अंदर भी हमें 2.95 ग्राम के आसपास हमें प्रोटीन मिलता है, मतलब लगभग 3 ग्राम के आसपास हमें प्रोटीन मिलता है। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा टमरिंड यानी इमली, थोड़ी खट्टी होती है लेकिन इसके अंदर भी हमें अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है, लगभग 2.90 या 92 के आसपास हमें इसके अंदर प्रोटीन मिलता है, अगर हम 100 ग्राम अगर खाते हैं। लेकिन इतना तो हम खा नहीं सकते, लेकिन आप इसको अपने जर्नी में यूज कर सकते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन के बेनिफिट मिल सकते हैं, या अपने जो प्रोटीन वैल्यू इसको आप कवर कर सकते हो। अगर आपको इमली पसंद नहीं है, खट्टा पसंद नहीं, तो आप किशमिश खा सकते हो, मतलब जो गोल्डन कलर की होती है, या आप मनुका खा सकते हो जो ब्लैक कलर के होते हैं, या आप जैक फ्रूट खा सकते हो। इन तीनों के अंदर लगभग 2.75 ग्राम के आसपास हमें प्रोटीन मिलता है, अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है। इसकी टेस्ट भी अच्छी होती है। अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो आप खजूर खा लो, डेट्स खा लो, इसके अंदर भी हमें लगभग 2.45 मतलब 2.5 ग्राम के आसपास हमें 2 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है। आप अंजीर भी खा सकते हैं, अंजीर के अंदर हमें 2.3 ग्राम के आसपास हमें प्रोटीन मिलता है। तो ये दोनों आप वेट गेन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कस्टर्ड एप्पल का सीजन चल रहा है तो आप कस्टर्ड एप्पल भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर भी हमें 1.6 ग्राम के आसपास हमें प्रोटीन मिलता है। आप लोग रेड चेरी भी खा सकते हैं, या आप लोग बनाना भी खा सकते हैं, दोनों के अंदर लगभग 1.5 ग्राम के आसपास हमें प्रोटीन मिलता है। बनाना वेट गेन के लिए बहुत बढ़िया होता है, वेट लॉस के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किसी कॉम्बिनेशन के साथ आपको खाना है, वरना वेट गेन करेगा। और इसके बाद मैं नेक्स्ट जितने भी फ्रूट्स के नाम लूंगा उनके अंदर 1 ग्राम से कम प्रोटीन होगा, या लगभग 0.5 ग्राम के आसपास ही प्रोटीन होगा। अगर हम बात करें वाटरमेलन या मस्कमेलन की, तो इसके अंदर हमें सिर्फ 0.4 ग्राम के आसपास ही प्रोटीन मिलता है। अगर हम एप्पल और पेयर की बात करें तो सिर्फ 0.5 ग्राम तक ही प्रोटीन मिलता है, और इसके बाद के जितने भी फ्रूट्स हैं इनके अंदर लगभग 0.3 या 0.4 के नीचे ही सारा प्रोटीन होता है। तो वो फ्रूट्स है जामुन, उसके बाद लेमन, लीची, मैंगो, पपाया, पाइनएप्पल, इन सारे फ्रूट्स के अंदर ना के बराबर प्रोटीन होता है। तो और मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक फ्रूट के बारे में अगर प्रोटीन वैल्यू जानना है, या कैलोरी वैल्यू जानना है, या अदर मिनरल विटामिन के बारे में जानना है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बहुत जल्द से जल्द उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सो ईट हेल्दी, बी हेल्दी, टेक केयर गाइस।